क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। टीम इंडिया वेस्टइंडीज के साथ सीरीज खेल रही है, वहीं कुछ खिलाड़ी कनाडा T20 में अपना जलवा दिखा रहे हैं। अब कनाडा T20 में ही खेल रहे पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी का ध्यान क्रिकेट से ज्यादा भारत पर लगा हुआ है, और जब भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने 370 को हटाने का ऐलान किया तो उसके बाद तो अफरीदी को जबरदस्त मिर्ची लग गई। यहां तक कि अफरीदी बहुत ज्यादा बोल गए, मगर फिर आया भारत की तरफ से करारा जवाब जिसका जिम्मा उठाया गौतम गंभीर ने। तो अफरीदी कैसे बहुत ज्यादा बोल गए और फिर गंभीर ने क्या जवाब दे दिया, आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में अफरीदी को अपने ही अंदाज में जवाब जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। तो भारत सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया और 370 को खत्म कर दिया, जिसके बाद भारत में तो जश्न मनाया जा रहा है लेकिन पाकिस्तानियों को बुरी तरह से मिर्ची लग गई है। अब हैरानी तो तब हुई जब समझदार कहे जाने वाले शाहिद अफरीदी का भी इस पर बयान आ गया। कनाडा में T20 मैच खेल रहे अफरीदी ने ट्वीट किया कि इतना सब कुछ हो गया, क्या UN सो रहा है, क्या वहाँ के हक के लोगों के लिए कुछ नहीं किया जाएगा। यही नहीं, अफरीदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी इस मामले में दखल देने की भीख मांग ली। अब भारत के मुद्दे पर शाहिद अफरीदी ने आवाज उठाई तो गौतम गंभीर ने जवाब देते देर नहीं लगाई। पहले तो गंभीर ने ट्वीट किया कि सभी को मुबारक हो, जो कोई नहीं कर सका वो हमने किया। और इसके बाद जब गौतम गंभीर मीडिया के सामने आए और उनसे अफरीदी के बारे में सवाल पूछा गया तो गंभीर ने कहा उन्हें ज्यादा ही मिर्ची लगती है, वो अपने देश के हाल पर परेशान हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। गंभीर यही नहीं रुके, गंभीर ने कहा कि मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अभी काम आधा ही हुआ है, अभी तो लाहौर की बारी है। अब भले ही गंभीर ने किसी भी अंदाज में बात कही हो लेकिन साफ है कि गौतम गंभीर ने अफरीदी को बता दिया कि तुम अपनी हद में रहो। तो अफरीदी के सवाल पर गंभीर ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अब आप भी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें, साथ ही वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।